शुरू करें। ठीक है, आज हम लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कहानी सुनने बैठे हैं। तो किसको किसको कहानी सुनना? हाथ ऊपर करो। सबको सुनना है, तो पीछे किसी को नहीं सुनना है, सबको सुनना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज। तो आज की जो कहानी सुनेंगे हम, वो कहानी किसकी होगी? एक बाघ की होगी और एक चूहे की कहानी होगी। आप में से कितने लोगों को पता है कि चूहा क्या होता है? हाथ ऊपर करो, किसी को पता है। ठीक है, तो मेरे हाथ में एक चूहा है, एक के बाद एक दे दोगे। ठीक, ये लो हाथ में, लो हाथ में चूहा, ये हाथ में चूहा लो, ये ऊपर ये हाथ में चूहा लो। चूहा समझ आया कैसा है? ये तुम्हारे घर में पता है चूहा क्या होता है? ठीक है, पता है। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम लोग देखो ये चूहा पकड़े, पकड़ो चूहा, चूहा छुए, चूहे की पूछ देखी, चूहे की पूछ समझ आई? अच्छा बाघ, कितने कितने लोगों को पता बाघ कैसा होता है? मेरे हाथ में बाघ है, छू लो, 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 कैसा होता है बाघ के कान? बाघ के कान, बाघ के कान किधर है? बाघ के कान किधर? जल्दी 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 जल्दी, पीछे पीछे पीछे, छू लो, छू लो, छू लो, छू लो, बाघ कैसा होता है? बाघ कैसा होता है? छू लो, छू लिया। तो आज की कहानी है एक चूहे की और एक किसकी? बाघ की। तो एक बार क्या हुआ कि एक पेड़ के ऊपर, पेड़ पता उधर है ना, ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो एक बार एक पेड़ के ऊपर, ऊपर यानी कि ऊपर, ठीक है, जमीन से ऊपर पेड़ के ऊपर एक चूहा खेल रहा था। क्या कर रहा था चूहा? क्या कर रहा था? ठीक है, खेलते खेलते क्या हुआ, बड़ा खुश हुआ, यहाँ से वहाँ कूद रहा था, एक डाल से दूसरी डाल पर क्या कर रहा था? कूद रहा था। नीचे एक बाघ सो रहा था, पेड़ के नीचे क्या हो रहा था? कैसे सोता? सो के बताओ जरा, सो के बताओ, सो के कैसे सोते हो तुम लोग? कैसे सारे सो जाओ, सो के बताओ, सारे सो जाओ, सो के बताओ, सारे सो जाओ, शाबाश, अब सारे उठ जाओ, सारे उठ जाओ, उठ गए, शाबाश। ये बताओ कि जब नींद में रहते हो तुम लोग और नींद अचानक कोई तोड़ दे तो अच्छा लगता है और गुस्सा आता है? क्या आता है? गुस्सा आता है, है कि नहीं? हाँ, अगर हमें कहीं जाना हो या हमें उस तब अच्छा लगता है, तो बेफालतू। हाँ, बेफालतू में अगर खराब कर तो गुस्सा आता है। हाँ, एक बात तो ये हुई कि जब नींद से कोई जगा दे बेफालतू में तो बड़ा गुस्सा आता है। आता है गुस्सा? किसको किसको गुस्सा आता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, शाबाश। बस बस, हाथ नीचे। अब क्या हुआ कि चूहा पेड़ के ऊपर खेल रहा था और यहाँ से कूदे उधर, उधर से कूदे उधर, ठीक है, चूहा कूद रहा था और नीचे शेर क्या कर, नीचे बाघ क्या कर रहा था? सो रहा था। चूहा कूदते कूदते बाघ के ऊपर गिर गया, और जब गिर गया और भागा बाघ के ऊपर, ऐसे भागा बाघ के ऊपर, तो बाघ की नींद क्या हुई? जग गया। और नींद से अगर जगा दे कोई तो क्या होता है? गुस्सा आता है। तो बाघ को आया गुस्सा और बाघ ने जोर से गुर्राया। क्या किया बाघ ने? जोर से गुर्राया। कैसे गुर्राया? और जोर से, और जोर से, ठीक है, गुर्रा के क्या किया? चूहा को हाथों में दबोच लिया। क्या किया? चूहा को अपने पंजे में दबोच लिया, दबोच लिया, दबोच लिया। दबोच बच्चा, सामने सामने हाथ आएगा। हाँ, दबोच, चूहा को दबोच लिया, ठीक है। दबोचने के बाद क्या हुआ? दबोचने के बाद क्या किया? बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या बोला चूहे को? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा को क्या हुआ? डर गया, चूहा को डर लगा। और चूहे ने ये बताया कि मुझे खाने से क्या फायदा, मैं छोटा जानवर हूँ। छोटा कैसे होता? हाथ दिखाओ, छोटा कैसे होता? हाथ ऊपर दिखाओ। छोटा 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 मतलब एकदम छोटा जानवर हूँ और आप तो बहुत बड़े हो। बड़ा कैसे होता है बताओ? बाघ कैसे होता है बड़ा, इतना बड़ा? मैं तो एक बड़ा जानवर, आप एक बड़े जानवर हैं, आप तो राजा हो। मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। कैसे नहीं भरेगा पेट? पेट को इशारा करके बोलो।
आपका पेट, पेट को इशारा करो, आपका पेट नहीं भरेगा, मुझे आप छोड़ दें, मैं आपके काम आऊंगा। क्या होगा? मैं आपके काम आऊंगा। हाँ, तो तुम्हें क्या बताया? तो बाघ ने बोला, क्या बोला बाघ ने? बाघ ने क्या बताया? हाँ, तू मेरे क्या काम आएगा? चूहा बोला कि आप तो राजा हो, मुझे छोड़ दो। और बाघ बहुत जोर का हंसा। कैसे हंसा? कैसे हंसा? जोर से हंसो। सही है। और चूहे को छोड़ दिया, चूहा भाग के चला गया। ठीक है, कैसे भागते हैं? बस ऐसे भाग के चला गया। क्या बात, बैठ जाओ। दूसरे दिन एक शिकारी आया। कौन आया? शिकारी। शिकारी क्या करता है? जानवरों को पकड़ता है। शिकारी क्या करता है? जानवरों को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? जाल डालकर। कैसे? शिकारी आया, सोचो कि शिकारी आया और जाल बिछाया। कहाँ जाल बिछाया? शेर का जहाँ घर है, शेर का जहाँ घर है वहाँ जाल बिछाया। शेर कहाँ रहता है? गुफा के अंदर। किधर रहता है? गुफा के अंदर। गुफा में जाल बिछाया। शेर थका हारा रात को आया और जाल उसके ऊपर गिरा। शेर जाल के अंदर फंस गया और जोर का गुर्राया। क्या किया? जोर का गुर्राया। उसे लगा कि वो जाल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या बाहर निकल पाया? नहीं निकल पाया। और वो सिर्फ चीखता रहा। वो क्या? जोर जोर का गुर्राता रहा। ये बात किसने सुनी? चूहे ने सुनी। और चूहा क्या किया? दौड़ता हुआ शेर के तरफ आया। अपने सारे दोस्तों को बता गया चूहा, और सारे दौड़ते हुए किधर आ गए? बाघ के तरफ आ गए। और उन्होंने क्या किया? झटपट जाल को कर दिया और बाघ उसमें से अपने दांत से। चूहे के दांत बड़े मजबूत होते हैं। आप लोगों के दांत कैसे हैं? मजबूत हैं? अरे मजबूत हैं। क्या करते हो दांतों को मजबूत करने के लिए? दूध पीते हो। और क्या करते हो? मंजन करते हो सुबह शाम दो बार। करते हो? नहीं करते हो? और वो तो बिना मंजन किए ही थे। बिल्कुल। तो चूहा क्या किया? उतर गया जाल को, और जाल को उतर कर और हाँ बाघ को जाल से मुक्त कर दिया। शेर बड़ा खुश हुआ और अपनी गलती को उसने मानी कि छोटा होने पे भी आप लोगों के मदद आ सकते हैं। हाँ, क्या मिलती है सीख? खड़े होकर बताओ, इधर आ जाओ खड़े होकर। आपका नाम क्या है? जविंदर। ठीक है, जविंदर बताएंगे कि इस कहानी से क्या सीख मिली। सर, हमें ये वाली कहानी से पता क्या सीख मिली? हाँ, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है? और किसी को बोलना कहानी से क्या सीख मिली? क्या? आ जाओ, तुम आ जाओ बच्चा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मिली कहानी से सीख? शाबाश, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी अभी सब एक साथ बोलेंगे, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां। आज की कहानी खत्म, और आप लोग बैठे, आप लोगों को अभी मिलेगी चॉकलेट। ठीक है।